हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो अरमान। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपको बहुत समय में। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि हम किसी से चैटिंग कर रहे होते हैं, अचानक कोई आ जाता है, तब आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आप पकड़े जाते हैं, या कोई आप काम कर रहे हैं और कोई सामने से आ जाता है तो आपके फ़ोन में जो चल रहा होता है वो देख सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप अपने स्क्रीन को ट्रांसपेरेंट या पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं एक फेक स्क्रीन के रूप में, जिससे आप कोई भी काम करके बच सकते हैं। तो चलिए मैं इसको वीडियो में अंदर जाता हूँ, उसके बाद आपको। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है, यहाँ से अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाना है। एंड प्ले स्टोर पर जाने के बाद यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन करना है, फेक स्क्रीन, ये वाला एप्लीकेशन आपके फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आपको इसको ओपन करना है। ओपन करिएगा तो कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पर तीन मोड दिया हुआ है, नॉर्मल मोड, टच मोड, फिल्टर मोड, तीनों मोड के बारे में मैं बताऊँगा ये दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ से सबसे पहले इसका सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग नॉर्मल मोड में आप इसको इस तरह देख सकते हैं कैसा आप कस्टमाइजेशन चाहिए। एंड टच मोड में देख सकते हैं आपको कैसा चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, राइट से चाहिए, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड उसके बाद दोस्तों है फिल्टर मोड। फिल्टर मोड जो एक्चुअली ये कलर आपको दर्शाता है आप किस प्रकार के कलर अभी लगा सकते हैं। अभी एक सेकंड मैं आपके फ़ोन को बैक आता हूँ, देखिए ये कैसा नॉर्मल मोड है। उसके बाद फिल्टर मोड में इंटर करता हूँ तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कलर मिलता है। जैसे यहाँ पे ब्लू लाइट हो गया, ब्लैक लाइट हो गया, जिस प्रकार का आपका कलर चाहिए उस प्रकार का आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं ब्लू रख देता हूँ। ये आगे मैं आपको आगे बताऊँगा कि इसका यूज कैसे करना है। आप यहाँ से पहले ये सिलेक्ट कर लीजिए, नीचे है ट्रांसपेरेंसी, आप कितना ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं। मैं 100 कर देता हूँ और बैक आता हूँ मैं। उसके बाद दोस्तों आपको आना है यहाँ से एक बार और बैक, और यहाँ से तीनों मोड को, सबसे पहले है नॉर्मल मोड, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। सबसे पहले दोस्तों इसको एप्लीकेशन को चलाने के लिए एक एड्स आपको दिखाई देगा 28 सेकंड का, उस एड्स को आपको देखना पड़ेगा। ओके, तो कोई नहीं, एक बार एड्स दिखाई देता है, वरना प्रो वर्जन ले सकते हैं, प्रो वर्जन में आपको कुछ पे करना पड़ता है, बट कोई नहीं, 28 सेकंड एड्स एक बार आपको दिखाई देगा। यहाँ से करके वॉच पे क्लिक करिए, ये एक बार एड्स आपको दिखाई देगा, उसके बाद ये एड्स कभी नहीं दिखाई देगा। लेकिन ये बहुत ही काम का एप्लीकेशन है। यहाँ से देखिए 29 सेकंड हम लोग वेट करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो ये 28 सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया है, उसके बाद यहाँ से इसको कट करते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ से दो ऑप्शन दिखता है, स्टार्ट और गैलरी। सबसे पहले आपको गैलरी में जाना है, गैलरी में जाके कोई एक फ़ोटो ले लेना है। कौन सा फ़ोटो लेना है, आपको कोई स्क्रीन शॉट बना के रखे हैं या कोई भी किसी प्रकार का फ़ोटो आपको ले लेना है। ओके, तो मैं ये वाला फ़ोटो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको सिंपली फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद स्टार्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों ये एक्चुअली हेल्प क्या करेगा, यहाँ से पहले मैं इसको यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसको मैं कम कर देता हूँ। अब मान लीजिए कभी दोस्तों आप कोई काम कर रहे हो या किसी से चैटिंग वगैरह कर रहे हो, अगर अचानक कोई आपके सामने आए तो इसको आप फुल कर दीजिए। जैसे ही फुल करिएगा ये ऐसे स्क्रीन शॉट ये आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा और लगेगा कि आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। उसी के हिसाब से आप यहाँ से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई एकाएक इसको आए, अगर बैक भी प्रेस करे तो बैक भी नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं होगा। आप बोल सकते हैं मैं लॉक स्क्रीन लॉक करके पढ़ाई कर रहा हूँ या कोई काम कर रहा हूँ। उसके बाद आप चाहे तो इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, कोई आप काम कर रहे हैं कोई भी आए तो आप इसको फुल कर सकते हैं, और चला जाए तो आप इसको कम करके, और इसको कम कर दीजिएगा तो उसके बाद आपको जो ये ब्राउजर वगैरह है सारा काम करने लगेगा। अगर आप इसको फुल कर देते हैं एंड देन योर ब्राउजर विल नॉट वर्क, यानी कोई भी बटन ब्राउजर वगैरह कुछ काम नहीं करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ से ये आप बच सकते हैं ऐसे।